केपीएस कदमा में आज टीचर डे का आयोजन किया गया है, जिसमें टीचर के साथ साथ बच्चे भी हैं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम केपीएस कदमा में, और सबसे बड़ी चीज़ है कि सरस सर एक एक टीचर को अवार्ड दे रहे हैं। ऐसा समय हमें लगता है कि सभी स्कूल में आना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ की जो गेस्ट आ रहे हैं उनके ऊपर एक डायरी दिया जा रहा है कि आप अपना कमेंट जरूर लिख के लेके आइए। तो हम आपसे आज कमेंट मांगना चाहते हैं, टीचर के इतने बड़े जो इंस्टीट्यूशंस को आज वर्ल्ड लेवल में ला दिया गया, टीचर का क्या योगदान है? सबसे पहले आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में सब सभी जमशेदपुर के सभी शिक्षकों को टीचर्स डे की शुभकामनाएं। और आज के दिन एट केपीएस कदमा वी हैव टीचर्स फ्रॉम ऑल द केपीएस ब्रांचेस द आईसीएसई स्कूल्स कमिंग टुगेदर। वी हैव ऑलमोस्ट अराउंड 400 टीचर्स टुडे, एंड दिस इज अ डे व्हेन वी सेलिब्रेट देयर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड द वे दे ब्रिंग अप चिल्ड्रन एंड द इम्पैक्ट दे हैव इन सोसाइटी बाय bringing up children, giving them the values. Let's not talk about the past anymore, let's talk about the future, the 21st century. For 21st century now we need teachers who can help children navigate through the complexities of life, cultivate inner peace, and also ensure that they connect with themselves at the same time the outside world. So along with the skills that we teach in the schools, so the need is this entire thing that I said, and that's exactly what all our teachers together do. And we are committed to the cause of imparting quality education. And once again, a very happy Teachers Day to the entire teaching community of not only Jamshedpur, even Jharkhand and across, because we are the ones who can make a difference. We are the agents of positive change. If we want a better tomorrow, we are the ones who can do it. Right. So once again, a very happy Teachers Day. इतना अच्छा एनवायरनमेंट, इतना अच्छा, कब आप टीचर एला ज्वाइन किए थे केरला पब्लिक स्कूल? 14 इयर्स बैक। 14 ईयर, तो बच्चे कितने बच्चे को पढ़ा चुके हैं अभी तक, अगर एवरेज देखा जाए? मोर देन आई गेस 500 मच मोर देन दैट। आजकल बच्चे डायरेक्ट क्रॉस कर देते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत हो चुका, गूगल यूट्यूब, आपको क्रॉस करते हैं, तो कितना मेहनत करना पड़ता है टीचर को? सर मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन यही तो हमारा जॉब है सर। एंड जो हम लोग को प्लेटफॉर्म मिलता है अपने स्कूल से, सो सराहनीय है। सो इसके जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ द एंटायर फ्रेटर्निटी विच इज़ देयर, हम लोग को मैंने प्रोत्साहन मिलता है कि नो तो आगे बढ़े। इसलिए
क्या बोलना चाहेंगे सर? बच्चे को आज के समय में किस प्रकार की शिक्षक को बात माननी चाहिए, शिक्षक का बात क्यों समझना चाहिए आज के समय में? सर जैसे कि बोला गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु, तो सर गुरु जी गुरु ही जो है शिक्षक ही है जो है जो बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं, ठीक है, सही तरीके से गाइड करते हैं कि वो लोग जीवन में आगे बढ़े और आगे कुछ अच्छा करें। बहुत टफ समय आने वाला है टीचर के लिए, स्कूल के लिए, एजुकेशन सेंटर के लिए, क्योंकि उसमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आ जा रहा है, तो टीचर को बच्चे को और एजुकेशन सेंटर को भी फिर से नया तैयारी करने की ज़रूरत है, और यही शिक्षक दिवस में सही आदर्श है, सोच है। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।